नमस्कार साथियों, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टैक्सोनॉमी का अपन थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो वीडियो पहले अपन देख चुके हैं, उन दो वीडियो में अपन ने ये पढ़ लिया कि टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, INC तीन बातें पढ़ी थी अपन ने, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर में अपन ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को पढ़ा और इसी क्रम में अपन अब अगला टॉपिक लेते हैं जो कि टैक्सोनॉमी में है, क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन और कंप्लीट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक पॉइंट दे रखा है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, आखिर में क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ता है। जैसे नोमेनक्लेचर को बताया कि नोमेनक्लेचर क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि वैज्ञानिक स्तर पर जब शोध की प्रक्रिया हो या वैज्ञानिक स्तर पर किसी एक जीव को, किसी एक पादप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ही नाम से जाना जाए, जिससे उसको समझने में आसानी रहे, जिससे उस पर शोध प्रक्रिया आसानी से की जा सके। इसी के संदर्भ में अपन आगे देखें तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ तो बात आप अपने आप समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ता है, वर्गीकरण क्यों करना पड़ता है। एक कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें अस्वस्थ पड़ी हैं और आपने उसको क्लासिफाई करके ढंग से रख दिया तो कमरा बड़ा सुंदर लगेगा, वहां पर बैठने का भी मन करेगा, वहां चीजें अच्छी समझ में आएंगी, मानसिकता अच्छी डेवलप होगी। लेकिन ये तो सारी बातें साइकोलॉजी से जुड़ गई, वास्तव में इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन की आखिर में आवश्यकता क्यों है, कुछ मोटे मोटे बिंदु आपको बताता हूं, आपकी बातें समझ में आ जाएगी। पहला देखो, एक शब्द होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। इस धरती पर विविध प्रकार के जीव हैं, इस धरती पर विविध प्रकार के जीव, किसी क्षेत्र में विविध प्रकार के जीव हैं और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे जीव होते हैं कि उनको अगर अपन अलग अलग नहीं समझ पाएंगे, उनको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब उनके अपन नेचर को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको डाइवर्सिटी को ढंग से समझना है, आपको विविध प्रकार के जीवों की संरचना, विविध प्रकार के जीवों की कार्यशैली, विविध प्रकार के जीवों का फंक्शन अगर समझना है, डाइवर्सिटी को समझना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उनका क्लासिफाई करना पड़ेगा। मतलब डाइवर्सिटी को समझने में आसानी, डाइवर्सिटी को समझने में अवश्य क्या आसानी है क्लासिफिकेशन करने से, पहला काम ये हो गया, एक नंबर बात। अब जी डाइवर्सिटी को आप ठीक है क्लासिफिकेशन करने से आसानी से समझ गए, और क्या हो सकता है, अगर आप किसी लिविंग को, किसी सजीव को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उस आइडेंटिफिकेशन करने में भी क्लासिफिकेशन किया हुआ काम बड़ा आसान रहता है। तो लिविंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। आगे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या समानताएं हैं, क्या विविधताएं हैं, इनको समझने के लिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है। अलग अलग प्रकार के प्लांट क्यों अलग हैं, क्यों आखिर में समान हैं? जैसे नींबू का पेड़ है, मौसमी का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, इनको सिट्रस फैमिली में शामिल करते हैं, क्यों आखिर सिट्रस में शामिल करते हैं, क्यों नींबू को आम के साथ में, केले के साथ में शामिल नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से जो दालें हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट हैं, उनको उन्हीं के अंदर क्यों शामिल करते हैं, उनको पोएसी में क्यों नहीं शामिल करते। इसी प्रकार से धान है, उनको पोएसी में क्यों शामिल करते हैं, किसी और फैमिली में क्यों नहीं शामिल करते। प्राइमेट्स हैं, उनको मंकी को, जैसे आपके ह्यूमन है, इनको चिंपेंजी को, इनको सबको लगभग लगभग समानता के आधार पर किसी एक जगह पर समझा जाता है, पढ़ा जाता है, क्यों मछली के साथ नहीं पढ़ते। ऐसा कब संभव हुआ, अपन जब उनका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन के किए बिना ये सब संभव नहीं होता। आगे
साइंस की केवल टेक्सोनॉमी ब्रांच ही नहीं, टेक्सोनॉमी ब्रांच का अध्ययन करने के साथ साथ में साइंस की जो अदर ब्रांचेज हैं उन अदर शाखाओं को, अदर ब्रांचेज की स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन बहुत आवश्यक है। जैसे आपको अगर जेनेटिक्स पढ़नी है तो बिना क्लासिफिकेशन किए जेनेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। आपको अगर इवोल्यूशन पढ़ना है तो बिना क्लासिफिकेशन किए इवोल्यूशन पढ़ना संभव नहीं है। आपको अगर क्या पढ़ना है, आपको इकोलॉजी पढ़नी है तो बिना क्लासिफिकेशन के संभव नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है तो इस क्लासिफिकेशन के बिना इसको पढ़ना भी आसान नहीं है। किस एनिमल का कैसे डेवलपमेंट हुआ है ये क्लासिफाई किए बिना तो अपन समझ नहीं पाएंगे। तो साइंस की जो अदर ब्रांचेस हैं उनको पढ़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर आपको किसी जीव के बारे में, किसी जंतु के बारे में रिसर्च करनी है तो उस रिसर्च करने के पॉइंट एक से, एग्जांपल दो, जैसे आपको एक एग्जांपल है जैसे सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, नाम से ऐसा लग रहा है कि घोड़ा ही है अगर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ होता तो, लेकिन है क्या, लेकिन है क्या, ये एक सी फिश है, समुद्र में रहने वाली मछली है। इसी प्रकार से इक्थियोफिश, इक्थियोफिश नाम से ऐसा लग रहा है जैसे क्या ये मछली है, फिश है, जबकि ये मछली नहीं है, क्या है ये पता आपको, एम्फीबिया है, उभयचर प्राणी है। ये कब संभव हुआ, जब क्या हुआ, इसका क्लासिफिकेशन हो पाया। तो क्लासिफिकेशन के ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर अपने को ये पता चलता है कि आखिर में क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, आगे चलते हैं फिर इसी बिंदु पे। अब देखिए क्लासिफिकेशन अपने को दो प्रकार से पढ़ना है यहां पे। पहला क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ना है ओवरऑल क्लासिफिकेशन, और एक क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ना है विशेष रूप से प्लांट के संदर्भ में क्लासिफिकेशन। पहले प्लांट के संदर्भ वाला क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। प्लांट के संदर्भ में, प्लांट टैक्सोनॉमी में बात करें तो क्लासिफिकेशन को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आया था आर्टिफिशियल, उसके बाद में नेचुरल, और सबसे लास्ट में फाइलोजेनेटिक। अब देखो एक एक को देखते हैं, ध्यान से समझना इनमें क्या क्या याद रखना है। आपको दो बातें याद रखनी है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कौन वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने किस किस प्रकार का योगदान दिया, कैसे क्लासिफिकेशन किया। नेचुरल क्लासिफिकेशन में कौन कौन वैज्ञानिक आए थे, कैसा उन्होंने योगदान दिया, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में कौन कौन वैज्ञानिक आए थे और कैसा कैसा योगदान दिया। देखिए इसको, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया था जब वैज्ञानिकों के पास में बहुत सारे लक्षण नहीं थे, क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा आधार नहीं था, इसलिए केवल कुछ ही लक्षणों के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको बोला गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसकी शुरुआत मैं आपको ये पांच सात वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं यहाँ पर जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था जिन्होंने, करते हैं। पहला देखो थियो फेस्टस, नाम याद आ रहा है शायद आपके, पहले भी आ गया नाम, क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। दूसरे नंबर पे था जॉन रे, पहला वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस, दूसरे नंबर पे जॉन रे, तीसरे नंबर पे एंड्रिया
सीजल पिनो, एंड्रिया सीजल पिनो। चौथे नंबर पे गैस्पर्ड बुहीन, और पांचवे नंबर पर कैरोलस लीनियस। मतलब जब बात आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की तो आपके दिमाग में ये पांच वैज्ञानिकों के नाम आ जाने चाहिए। कौन कौन से पांच वैज्ञानिक हैं? एक नंबर पे थियोफ्रेस्टस, दो नंबर पे जोंद्रे, तीन नंबर पे एंड्रयू सीजल पिनो, चार नंबर पे गैस्पर्ड बुहीन, और पांच नंबर पे कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब देखो इनकी बुक्स के नाम, कौन सी बुक्स में इन्होंने ये सब बातें क्लासिफिकेशन के बारे में बताई। इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसकी बुक है ये? थियोफ्रेस्टस की, हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसके बाद आता है जोंद्रे, मेथोडस प्लांटेरम। जोंद्रे की बुक का क्या नाम है? मेथोडस प्लांटेरम। एंड्रयू सीजल पिनो की बुक का नाम है डी प्लांटिस। गैस्पर्ड बुहीन का आप बता सकते हैं मेरे को? जल्दी बताएं फटाफट, अभी नाम आया था थोड़ी देर पहले, याद करो क्या आया याद? नहीं आया। पाइनेक्स, ये वही गैस्पर्ड बुहीन है जिसने इसी बुक के अंदर बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा है। और कैरोलस लीनियस है, उसकी एक बुक तो अभी पढ़ी है अपन ने, स्पीशीज प्लांटेरम। तीन बुक महत्वपूर्ण है कैरोलस लीनियस की। पहली बुक है बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर नेचुरल वर्ल्ड, दो नंबर पर, पहले नंबर पर बेसिक टैक्सोनॉमी, दूसरे नंबर पे जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, और तीसरे नंबर पर स्पीशीज प्लांटेरम। इसी बुक के अंदर उसने क्या किया था? ये बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक तो यहां से बताया गया पाइनेक्स के अंदर, और एक काम बताया गया स्पीशीज प्लांटेरम के अंतर्गत बताया गया। ये आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत याद रखना है। अब देखो थियोफ्रेस्टस है, उसने हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंतर्गत प्लांट की चार कैटेगरी बताई, हर्ब्स, अंडर हर्ब्स, हर्ब्स और ट्री। मतलब थियोफ्रेस्टस के अकॉर्डिंग प्लांट चार प्रकार के होते हैं, एक हर्ब्स होता है, दूसरा क्या है अंडर हर्ब्स होते हैं, तीसरा सर्ब्स होते हैं, और चौथा ट्री होते हैं। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जोन रे ने बता दिया था। मतलब इसमें मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा चेंज किया। उसके बाद आया एंड्रिया सीजल पिनो। एंड्रिया सीजल पिनो जो प्लांट है उनको दो भागों में डिवाइड किया, एक ऐसे प्लांट जो वुडी प्लांट है या वुड से बने हुए हैं, और एक हर्बेसियस प्लांट। एक तो हर्ब्स हो गई और एक और क्या हो गया वुड हो गया, हर्ब्स और क्या हो गया वुड हो गया। ठीक है, पाइनेक्स बुक के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया जाता था, द्विनाम पद्धति के बारे में बताया गया। कैरोलस लीनियस ने यहां पर क्या बताया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहली बार सेक्सुअल करेक्टर के आधार पर किसी का क्लासिफिकेशन आया था तो वो किसका आया था? कैरोलस लीनियस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंगिक लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था?
कैरोलस लिनियस ने, और इसने क्या किया, कैसे दिया, इसने क्या किया, प्लांट में जो एंथर है उसको 24 ग्रुप में डिवाइड किया, और इन 24 ग्रुप के बाद में इस 24 ग्रुप के आधार पर प्लांट की क्या किया, स्टाइल को, अंडपों को, या फिर प्लांट के जो फीमेल पार्ट है उसका डिवीजन किया, उसका क्लासिफिकेशन किया। ये सब बातें आपको याद रखनी है नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। अब याद कैसे होगा ये देखो, बेसिक बेसिक बातें कैसे याद करोगे आप उसको। थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बोटनी, इतना बड़ा नाम बोटनी के लिए, बोटनी का फादर बोलते हैं इसको, मतलब इसका नाम इतिहास में क्या हो गया, अमर हो गया। प्लांट के बारे में बताया तो प्लांट याद रखना, हिस्ट्रिया, हिस्ट्रिया मतलब हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर क्या हो गया इसका, थियोफ्रेस्टस का नाम अमर हो गया, क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे। थियोफ्रेस्टस बोटनी का फादर है यहाँ पे। जॉन रे, मैथ, देखो यहाँ पर याद रखो मैथ मैथ, और ये यहाँ पर है रे रे, तो कुछ डायग्राम वगैरह मैथ के अंदर बनाते हैं तो रे बनती हैं, कुछ किरणें बनती हैं, तो रे से याद रख लगे आप मेथोडस, ठीक है। उसके बाद में एंड्रिया सीजर पिनो, टीस, टीस एक शब्द होता है, टीस का मतलब होता है दर्द, टीस होना, दर्द होना, तो अगर पिन पिन कहीं लगती है ना, पिन चुभती है, पिनो, तो क्या होता है, टीस होती है, दर्द होता है, टीस से याद रखोगे आप पिनो। ये तो देखो आपको याद हो जाना चाहिए था। गैस्पर्ड बोहिन, क्या नाम है, पाइनेक्स, और लेनियस की दो तो याद रख लेना, जेनरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम पहले भी आ चुका, और बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेक्सोनॉमी के बारे में अधिकतम मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के बारे में अधिकतर बताने वाला कौन था, कैरोलस लिनियस था, इसलिए पहली बुक तो इसकी आनी थी, बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। इतना आप नोट करें या इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद में दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण, और नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर प्लांट के कुछ करेक्टर और शामिल हो गए, जैसे प्लांट की आकारिकी को शामिल कर लिया गया, प्लांट के और संरचनात्मक लक्षणों को शामिल करते हुए आकारिकी, संरचना, बाह्य संरचना, इन सबको शामिल करते हुए जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको कहा गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपको चार वैज्ञानिकों के नाम महत्वपूर्ण याद रखने हैं। पहला, चार वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, ज्यादा नहीं रखने हैं। पहला डी जस्यू, डी जस्यू, मोनोकोट और डाइकोट के आधार पर क्लासिफिकेशन सबसे पहला इसी का है। प्लांट को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आधार पर क्लासिफिकेशन इसी का आता है। दूसरे नंबर पे है डी कंडोले, ये नाम भी याद होना चाहिए आपको, कब आया था पहली बार, टेक्सोनोमी डोले, टेक्सोनोमी शब्द दिया था इसने, क्या दिया था, टेक्सोनोमी शब्द। तीसरे नंबर पे बेंथम हुकर, तीसरे नंबर पे बेंथम हुकर, तीन वैज्ञानिकों, पहला डी जस्यू, डी कंडोले, बेंथम हुकर, और उसके बाद में एक और है जिसका नाम है जॉन लिंडले, इनके बारे में कोई खास नहीं, नाम याद रखना। बस आपको पूछा जाए कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में कौन कौन वैज्ञानिक आते हैं, डी जस्यू, डी कंडोले, बेंथम हुकर, और ये भी आसान हो जाएगा, इसकी बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, और इसकी बुक का भी नाम है जेनेरा प्लांटेरम। यहां पर मोनोकोट और डाइकोट, इसने वेस्कुलर कोटाइलेडन के आधार पर
और इसी का संशोधित रूप बेंथम हुकर। अब देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आपको बात क्या याद रखनी है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं, डी जस्सू, डी कंडोले, बेंथम हुकर और जॉन रिडले, चार वैज्ञानिक। इन दो की बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम अब तक तीन बुक आ गई है, एक बुक है डी जस्सू की, एक बुक है बेंथम हुकर की, और एक पीछे अभी अभी पढ़ा किसकी, कैरोलस लिनियस की, कार्ल लिनियस की। तो जनरल प्लांटेरियम यहां पर तीन प्रकार की बुक हो गई, तीन जनों की बुक हो गई। अब देखो एक यहां से क्वेश्चन बढ़िया बनता है, हर्बेरियम जो सीट है, अगला टॉपिक भी होगा अपना, हर्बेरियम जो सीट है, हर्बेरियम सीट पर जो मैक्सिमम क्लासिफिकेशन होगा, मैक्सिमम जगह जो हर्बेरियम सीट पर क्लासिफिकेशन होता है वो किसका होता है, बेंथम हुकर का। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है कि हर्बेरियम सीट पर मैक्सिमम क्लासिफिकेशन किसका होता है, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, बेंथम हुकर का। मतलब हर्बेरियम सीट पर मैक्सिमम क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर का आएगा, ये यहां पर आंसर हो जाएगा, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन के बाद में अपन बढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन किसी कैटेगरी में, और अगला क्लासिफिकेशन आएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब इस समय तक, या ऐसा कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक था डार्विन, और डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन, बुक थी उनकी जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सिद्धांत के अनुसार में ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति हुई। यहां पर नेचुरल सिलेक्शन जाति की उत्पत्ति में बताया गया, और इसके बेसिस पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति हुई। इसके अंतर्गत क्या है कि किसी जीव का, अब देखो फाइलोजेनेटिक क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज फाइलोजेनेटिक, किसी जीव की उत्पत्ति से लेकर उसका अब तक का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति से लेकर अब तक के विकास का अध्ययन फाइलोजेनेटिक में आता है। इसका मतलब उसके पूर्वजों का अध्ययन भी इसके अंदर हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आपको पांच अच्छे वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। पहला नाम देखो यहां पर तक्ताजन, दूसरा नंबर पे एंगलर एंड प्रांटल, तक्ताजन, एंगलर एंड प्रांटल, आगे हकिंसन, क्रोनक्विस्ट, पांच नंबर पे थ्रोने। तक्ताजन याद करना इनको, तक्ताजन, एंगलर एंड प्रांटल, हकिंसन, कॉर्नक्विस्ट, थॉर्ने, और एक और है जिसका नाम है डेलग्रेन। तक्ताजन, एंगलर, हकिंसन, क्रोने, थॉर्ने, क्रोनक्विस्ट और थॉर्ने और डेलग्रेन। अब देखो थोड़ा इसको याद करने के लिए सुविधाजनक रहेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, आप पांचवें नंबर पे ये लिख लो और छठे नंबर पे लिखो थॉर्ने, छठे नंबर को लिख लो थोड़ने। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में वैज्ञानिकों के नाम याद कैसे रहेंगे, याद ऐसे रहेंगे, एक फाइल थी है ना, कैसे याद करोगे, एक फाइल थी, उसको तख्ता होता है, लकड़ी का तख्ता होता है, एक फाइल को तख्ते के एंगल से हटाकर डाला था, किसी से पूछा गया कि वो फाइल कहां पर गई, तो फाइल गिर गई थी, तो गिरी क्यों, उसके पीछे कारण उसने बताया, याद करने का तरीका ये कि फाइल क्यों गिरी थी, फाइल इसलिए गिरी थी कि तख्ते के एंगल से हटाकर डाला था,
तख्ते के एंगल से हटाकर डाला था, फिर भी कैसे गिर गई पता नहीं, तख्ते के एंगल से हटाकर डाला था, ऐसा लिख लें आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें, तख्ते के एंगल से हटाकर डाला था। तख्ते का मतलब तख्ताजन, एंगल का मतलब एंगलर, हटाकर का मतलब हकिंसन, हटा हटा का मतलब हकिंसन, कर का मतलब क्रोनकिस्ट, डाला था का डेलग्रेन और यहां पर थोर ने। मैं एक बार फटाफट रिवीजन कर देता हूं। क्लासिफिकेशन प्लांट का सबसे पहले पढ़ा अपन ने क्या, आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत जो पांच वैज्ञानिकों के नाम आए थे वो नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा नाम आया था फटाफट बताते जाए मेरे को जल्दी से, आगे चले। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर चार वैज्ञानिकों के नाम थे और यहाँ पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर थे इन छह वैज्ञानिकों के नाम हैं। इसकी अपन ट्रिक देख ली, यहाँ पर ज्यादा भी याद नहीं रहे, ये इसके वैज्ञानिकों के नाम याद रह जाएंगे। उसके बाद में अपन नेचुरल क्लासिफिकेशन के वैज्ञानिकों के नाम, एक डीजेसु था, डी कंडोले था, बेंथम मुकर था और जॉन लिंडले था, ये नाम आ जाएंगे यहाँ पर। अगर आप आर्टिफिशियल में जाओगे तो फिर पांच नाम क्या बचेंगे, आर्टिफिशियल वाला आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। अभी की क्लास के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।